नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव जारी है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका अपने खतरनाक हथियारों को ऑस्ट्रेलिया में तैनात कर रहा है, क्योंकि चीन ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को युद्ध की धमकी दे रहा है। भारत फिर से दुनिया के सबसे बड़े महाविनाशक हथियार थर्मोन्यूक्लियर बम का टेस्ट करने का विचार कर रहा है। भारत को इस टेस्ट के दौरान अमेरिका से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु चालबाज चीन का सामना करने के लिए भारत को यह कठोर कदम उठाना ही होगा। भारत ने साल 1998 में पहली बार इस बम का टेस्ट किया था। वर्तमान में भारत NSG का सदस्य है। इस संगठन का सदस्य होने के कारण भारत पर और परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगी है, परंतु चीन अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है। साल 2030 तक चीन 1000 परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा है। चीन अपने देश के अंदर रेगिस्तान में सैकड़ों परमाणु अटैक करने वाली सेलों का निर्माण कर रहा है। इन सेलों में सैकड़ों परमाणु अटैक करने वाली मिसाइल तैनात रहती है, जो कि किसी भी देश को भारी हानि पहुंचा सकती है। इन मिसाइलों को सैटेलाइट से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये मिसाइल जमीन के अंदर छिपी होती है। परमाणु और थर्मोन्यूक्लियर बम में काफी अंतर होता है। परमाणु बम कम क्षमता का विस्फोट करता है। परमाणु बम टारगेट करके हमला करता है, जिसके कारण कम हानि पहुंचती है, जबकि थर्मोन्यूक्लियर बम एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है। इस बम से अधिक विस्फोट होता है, जिसके कारण यह बम एक बड़े इलाके को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। न्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या H बम भी कहा जाता है। इस बम में परमाणु विस्फोट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन के दूसरे चरण का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बम के बीच में ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम को गर्म करके इकट्ठा किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं और यूरेनियम की परत के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जिसके कारण सामान्य परमाणु बम की तुलना में अधिक विनाशकारी विस्फोट होता है। एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट उसी तरह काम करता है जैसे कि सूरज की रोशनी काम करती है। इस बम के विस्फोट के कारण गर्मी और कई तरह की रेडिएशन निकलती है। इस धमाके से एक भयंकर शॉक वेव निकलता है, जो कई किलोमीटर तक हाइपरसोनिक गति से जाता है। जिस इलाके पर इस बम को गिराया जाता है, यह बम उस इलाके की हर चीज को जला देता है। अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तो भारत को चीन के शहरों पर इस बम को गिराने के लिए इस बम की जरूरत होगी। भारत को चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए कम से कम 400 परमाणु बम की जरूरत है। भारत ने साल 1998 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत के पास वर्तमान में 165 परमाणु बम है, जबकि चीन के पास 350 परमाणु बम है। चीन अपने परमाणु बमों को और अधिक खतरनाक बनाने पर काम कर रहा है। भारत के पास परमाणु हमला करने के लिए अग्नि सीरीज की मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। भारत के पास सबमरीन से परमाणु अटैक करने वाली K4 मिसाइल है। DRDO K5 पर भी काम कर रहा है, जिसका निर्माण अंतिम स्टेज में है और आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इस मिसाइल को इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक हो सकती है।